सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या? नाम विनय कुमार। विनय कुमार सर, आप करते क्या हैं? मैं भैया एक ठेकेदारी की नौकरी करता हूँ, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब, तो आपके घर में बच्चे बच्चे हैं आपके? पूरी फैमिली है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं दो, माँ बाप हैं, घरवाली है, दो बच्चे हैं। तो आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव आ सकता है? हमें तो नहीं लगता कुछ बदलाव आएगा। तो आप कैसे चाहते हैं, कैसा बदलाव होना चाहिए? बदलाव ऐसा होना चाहिए, जितनी ठेकेदारी है वो ठेकेदारों को जो है एकदम सख्त ऑर्डर दिए जाएं कि जो सैलरी गवर्नमेंट रेट निर्धारित है वो तो कम से कम दें। मतलब गवर्नमेंट रेट जो कुछ नहीं मिलता है वही है, ना छुट्टियां देते हैं ना कुछ होता है, और उतना ठीक है, वो अपनी मर्जी से ठेकेदार जो देते हैं वही लेना होता है, क्योंकि हम लोगों की मजबूरी होती है, हमने काम करना है, पेट पालना है अपना, और नहीं तो फिर अपने भूखे मरो। अगर उनसे कुछ ज़्यादा कहो तो अपना बाहर जाओ रोड के, अपना घूमते रहो, फिर बेरोजगारी ठोकरें खाते रहो। आप किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, मतलब इस प्रशासन में, इस जगह पर, हर चीज़ का बताइए, आप कैसे बदलाव चाहते हैं? देखिए, बदलाव ये होना चाहिए कि एक जो गरीब आदमी है जी, जिसको अपना परिवार चलाना है जी, उसको कम से कम उतना तो सैलरी मिलना चाहिए कि वो अपना दो वक्त की रोटी ठीक से खा सके, अपने दो बच्चों को पढ़ा सके, अच्छे स्कूल में शिक्षा दिला सके, और अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सके। भाई ठीक है, वो अपने लाचार हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत अपना कि उनका भी अपना पेट भरता रहे, लालन पालन होता रहे, लेकिन 10-12 हज़ार की नौकरी में क्या करेगा आदमी? बच्चों को पढ़ाएगा, अपना पेट भरेगा, अपनी बीवी का पेट भरेगा, या क्या करेगा, अपने घर को चलाएगा? चलिए ठीक है विनय जी, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यहाँ पर मैं पैसे वाला है वो पैसे वाला ही रहेगा, गरीब है वो गरीब ही रहेगा, मरते ही जाएगा आगे तक। आपने बहुत अच्छी बात कही, अब हम भी आशा करते हैं कि कुछ अच्छा हो। देखो कुछ मुझे तो लगता नहीं है कुछ होगा, क्योंकि अभी इतनी अच्छी सरकार है, पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन उसके बाद भी जो है ठेकेदारी प्रथा में कुछ नहीं हुआ है, वो जैसे थे वैसे ही चल रहा है। और कुछ बताना चाहेंगे? और क्या बताएं भैया, हम तो परेशान हैं बेरोजगारी से, घूमते हैं अपना, चलो भाई टाइम पास कर रहे हैं किसी तरह से, अपना जैसे गुजारा हो रहा है वैसे कर रहे हैं। चलिए ठीक है विनय जी, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाई।